हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं बहुत ही सिंपल और टेस्टी एग बुर्जी की रेसिपी। तो चलो फ्रेंड्स, इसे झटपट से बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही कम सामग्री में बनने वाली स्वादिष्ट एग बुर्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कटी हुई हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, 5 अंडे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 50 ml तेल, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी। गैस की फ्लेम ऑन करें और एक कढ़ाई रख दीजिए। अब हम इसमें तेल डालते हैं, कटा हुआ प्याज मिला लेते हैं। अब हम प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सिंपल और टेस्टी एग ऑमलेट की रेसिपी देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। अब इसे मैं 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर फ्राई कर लेती हूँ। अब यहाँ 3 मिनट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम धीमी कर लेते हैं। अब हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिला लेते हैं। अब इसे हम आधे मिनट के लिए भून लेते हैं। आधे मिनट धीमी आंच पर भूनने के बाद अब हम इसमें 5 अंडों को फोड़कर इस तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी एग रेसिपीज देखनी है तो उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। अब इसे हमें 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इस तरह से भून लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नई रेसिपी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लगातार चम्मच चलाते हुए इस तरह से भून लीजिए। जब तक हमारा बुर्जी ड्राई नहीं बन जाता तब तक इस तरह से चलाते रहिए। फ्रेंड्स, अब यहाँ मैंने इसे 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीका दिखाया है एग बुर्जी बनाने का। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। 2 मिनट भूनने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर लीजिए। अब यहाँ हमारा बहुत ही कम सामग्री में बनने वाला और बहुत ही झटपट से बनने वाला स्वादिष्ट एग बुर्जी बनकर तैयार है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गरम गरम एग बुर्जी को आप चपाती के साथ या फिर ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।